पहले मैं इसका रूल लिखा हुआ, तो जो चीज़ है वो लिखा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ है क्या फंक्शन। ये रूल ऑफ रिलेशन शिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं समझाता हूँ सब कुछ का मतलब। देखो दरअसल फंक्शन ना एक तरह का मशीन है, एक ऐसा मशीन जिसके अंदर, लेटर सपोज फंक्शन एक मशीन है मान लेते हैं, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर लैपटॉप होता है ना, कि तुम हम लोग कुछ डालते हैं बाहर कुछ निकलता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस लाइक, तो हम ना कुछ इसमें इनपुट डालते हैं, वो हमें कुछ आउटपुट देता है। दिस इज फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन मतलब क्या, एक मशीन की तरह। दरअसल ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है क्या, कि जैसे मान लो फंक्शन को हम लोग बेसिकली एफ ऑफ एक्स से दिखाएंगे, ऐसे फंक्शन को दिखाया जाता है फंक्शन और बीच में एक्स। इसमें कुछ हम अपने मन से कुछ एक्स का वैल्यू डालते हैं, ठीक है, फंक्शन में कुछ अपने मन से एक्स का वैल्यू डालेंगे, तो जो चीज़ हम अपने मन से इसके ना डालेंगे ना, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन से डाल रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। फिर फंक्शन एक मशीन है जो इस एक्स पे वर्क करेगा और आउटपुट हमें एफ ऑफ एक्स दे देगा, एफ ऑफ एक्स को तुम वाई भी बोल सकते हो। तो जो हमें इस तरफ से मिल रहा है ना, डेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, चीजें एक्स पे डिपेंड कर रही हैं। आउटपुट क्या होगा ये डिपेंड करेगा इनपुट क्या है, तो इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कल को अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर 3x, ठीक है, ये एक रिलेशन है, इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। अब तुम एक काम करो, एक्स को लेटर सपोज हम लोग मानते हैं 2, तो एक्स को क्या मानना है ना, ये हम पे डिपेंड करेगा, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है। एक्स को एक समय के लिए मैं 2 मानता हूं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, बस एक्स की जगह क्या करो 2 कर दो, तो ये जो यहाँ पुट किए ये क्या दिया 6, यानी एफ ऑफ 2, सॉरी ये एक्स नहीं, एफ ऑफ 2 होना चाहिए, एफ ऑफ 2 एक्स नहीं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, यानी हमने जब एक्स पुट किया तो फंक्शन जो एक मशीन है वो इस पे वर्क किया और आउटपुट हमें 6 दिया। उसी समय अगर मैं एक्स को 3 रख दूं, तो एफ ऑफ 3, क्योंकि एक्स को मैंने 3 रख दिया, तो एफ ऑफ 3 बराबर क्या होगा 9। अगर मैं एक्स को 4 रख दूं, तो एफ ऑफ 4 बराबर 12 एंड सो ऑन। यानी अगर मैं एक्स का वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी। तो इनपुट जैसे जैसे चेंज होगा आउटपुट वैसे वैसे चेंज होगा, बट इनपुट हम क्या डाल रहे हैं वो डिपेंड करेगा, यानी हम पे डिपेंड करेगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो एक्स क्या डाल रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है ना, इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इज नोन एज फंक्शन। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं फंक्शन। इसको पढ़ते कैसे हैं, हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। जो ये एफ ऑफ एक्स है वो एक एक्स का फंक्शन है, यानी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं फंक्शन। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम लोग शायद फैमिलियर भी हो, जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, जैसे समझो एरिया को इसको मैं बोलता हूँ एक समय के लिए, एक एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर और आर क्या है रेडियस, तो मैं एफ ऑफ आर को लिख सकता हूँ ना एफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ये भी एक रिलेशनशिप ही तो है। सोचो एरिया क्या होगा किसी सर्कल का, ये डिपेंड करेगा कि उस सर्कल का रेडियस क्या है। तो रेडियस तो हम अपने मन से बना सकते हैं सर्कल का, तो रेडियस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो हमारे पास ये है एफ ऑफ आर, दिस इज डिपेंडेंट, ये भी एक तरह का फंक्शन ही हुआ,
जो किसके बीच में, एफ ऑफ आर पाई आर स्क्वायर के बीच में. नाउ अगर इफ आर इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू पाई, उसी तरह अगर आर को तुम दो मान लो तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर पाई, यानी अगर रेडियस दो है सर्कल का तो उसका एरिया फोर पाई होगा, रेडियस वन है तो एरिया पाई होगा, इसी तरह. ठीक है, इसका मतलब कि ये भी एक तक क्या हुआ, फंक्शन हुआ. किसका? रेडियस का. सर्कल का जो एरिया होता है वो एक फंक्शन होता है किसका? रेडियस का. कहने का मतलब वो डिपेंड करता है रेडियस. हाँ, वो डिपेंड कैसे करता है वो एक अलग बात है. जैसे ऊपर में देखो वो x के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x r के पावर 2 पे, तो फंक्शन वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट बेसिकली मैं भी ये समझा रहा हूँ कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट चीज के बीच का जो रिलेशन है ना, दैट इज बेसिकली नोन एज फंक्शन. समझ में आया? ठीक है. अब इन जनरल क्या होता है ना, हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से दिखाते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से दिखाते हैं. ये हमारा एक नोटेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत जगह आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग x के जगह t, u, v कुछ भी यूज कर लेते हैं, बट एक कन्वेंशन है कि इन जनरली, जनरली अगर हमको कोई चीज दिया है ना तो उसमें जो x है वो डिपेंडेंट को दिखाता है और y क्या है, इंडिपेंडेंट को. तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये इन जनरल है. ठीक है, हो सकता है कल को वो तुम लोग अपना दिमाग फिर उस पर लगाना, यानी अपने दिमाग को ऑन रखना वहां पर, कभी ऐसा क्वेश्चन है कि किसको उसने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट माना है. और ये भारी नहीं, मतलब हैवी नहीं होता ये सब चीजें पता करना, आराम से तुम देख के पता कर लोगे. एक दो मतलब कुछ दिनों तक इसका अभ्यास होगा ना, प्रैक्टिस, तो आराम से फिर पता चल जाएगा. मैं वैसे लिख देता हूँ कि इन जनरल इंडिपेंडेंट को एक्स दिखाते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. ठीक है, अच्छा. अगर अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स ये जो है ना, ऐसे लिखना, इस टाइप से लिखना, ये अभी तुम लोग इसके यूज टू तो हो नहीं, पहली बार तो मेरे ख्याल से देख ही रहे हो, तो पहले थोड़ा सा इसके तुम लोग करीब आ जाओ. इसका मतलब थोड़ा सा उसको अच्छे से अपने अंदर बसा लो कि अच्छा हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, मैं लिख दिया 2x+1. ठीक है, मैंने ये लिख दिया. अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ जीरो क्या होता है, तो बताओ एफ ऑफ जीरो क्या होगा? F of zero मतलब x का जीरो पुट कर दो तो वन आ जाएगा. सही, बहुत अच्छे. F of two क्या होगा? Five. अब बताओ F of minus x क्या होगा? -2x+1. समझो, ये जो चीज अंदर लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है. तो तुम देखो ये जो इंडिपेंडेंट वाला चीज है वो इसमें यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, x. ठीक है, तो जब मैं अंदर, जैसे इस केस में सोचो, मैंने जो अंदर लिखा तुमने x की जगह वही तो पुट कर दिया ना, तभी तो बोला ना भैया 1 आया. इसमें मैंने 2 बोला तो तुमने x की जगह 2 पुट कर दिया तो 5 आया. तो अगर मैंने f को माइनस, सॉरी f ऑफ माइनस x क्या, इसका मतलब मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस x से. इसका मतलब x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस x. ठीक है, अब अगर तुमसे पूछेगा f ऑफ, ध्यान समझना, f ऑफ fx, तो तुमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज दिस, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको एक मिनट, ठीक है, उसको और खोलो. 2f(x+1) आया ना, तो फिर f ऑफ एक्स की जगह मैं 2x+1 लिख सकता हूँ ना, तो फिर उसके जगह 2x+1 लिखो और बताओ क्या आता है.
4x plus 3 है ना, एक मिनट सही है, 4x plus 3 होगा, एक मिनट ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 4x प्लस 3। अच्छा चलो, कुछ तुम लोग क्वेश्चन करो। f ऑफ x दे रखा है 2x² + 1, ठीक है, तुम्हें निकालना है f of 2 f of -3 f of -x f of -x। वैसे एक चीज बता देता हूँ, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जैसे इन्होंने कंपोजिट इटरेटिंग बोलेंगे इसको, छोड़ो कंपोजिट नहीं, इटरेशन बोलते हैं इसको, इटरेशन। इटरेशन मतलब क्या होता है, लगातार जो वैल्यू आया, जैसे जो इटरेशन एक समय के लिए समझ लो क्या होता है, वैसे इटरेशन इसको कहते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन ऐसे समझाया, अब मान लो कि हमने क्या किया, कुछ एक्स डाला, वो फंक्शन के अंदर गया, फंक्शन ने कुछ एफ एक्स दिया, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसी एफ एक्स को फिर से डाल देते हैं एक्स के जगह, यानी एक लूप बन गया ना, मैंने एक्स अंदर डाला, एफ एक्स निकला, फिर वही एफ एक्स मैंने फिर एफ में डाल दिया, दिस इज कॉल्ड इटरेशन। तो अभी हम लोग इटरेशन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे बाद में, वो सब तुम लोग जब 11th में जाओ, जब 12th में जाओगे ना, बेसिकली जब 12th क्लास में, तब तुम लोग इटरेशन के बारे में और अच्छा से पढ़ो। इटरेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं लेकिन इंडिया में, जाते करते हैं लेकिन इस लेवल पे वो वर्ड यूज नहीं करते हैं इटरेशन, उसके जगह कंपोजिट फंक्शन वगैरह जब पढ़ोगे ना तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ये निकाल लो, ठीक है ये निकाल लो बस। बना? हाँ भैया। हाँ भैया बोलो।
एफ ऑफ टू कितना आया? 9 टू या 4 हो जाएगी प्लस 1 9 ठीक है माइनस 3 19 ये कितना आया? 2x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना तो माइनस 1 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ठीक है। तो एक चीज और जान लो यहाँ पे इसी यही चीज के बदले जान लो अगर f ऑफ x बराबर f ऑफ माइनस x होता है ना तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। अभी नाम सिर्फ जान लो इसको क्या बोलेंगे इवन फंक्शन f x n से फंक्शन को बताते हैं ठीक है ये मतलब इसका मतलब होता है फंक्शन। और वही अगर f ऑफ x बराबर माइनस f x हुआ तो इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं आएगा इस यूज लेकिन मैं अभी सोचा बता देता हूँ क्योंकि अभी जान ही रहे तो जान लो। अब जैसे देखो इसी केस में समझो ये f ऑफ माइनस x बराबर fx आ गया ना हाँ ये ना हाँ भैया हाँ तो इसको क्या कौन सा फंक्शन हुआ फिर ये इवन फंक्शन। यहाँ पे ये इवन ऑड का मतलब वो इवन ऑड नहीं जो अभी तक पढ़ते आए हैं टू से डिवाइड हुआ नहीं हुआ वैसा कुछ नहीं है ठीक है। This is simply a different, मतलब एक अलग सा चीज है बस ये ध्यान रखना। इसका वैल्यू कितना आया? 8x to the power 4 plus 8x square plus 3. 8x to the power 4 plus 8x square plus 3. x square के जगह यही वैल्यू पुट करो। एक समय निकाल कर दिखाता हूँ। देखो, f of minus x का वाला थोड़ा समझा दीजिए ना। हाँ वही समझा रहा हूँ। f of minus x जो है वो ये आया। ठीक है? अब इस वैल्यू को यहाँ x की जगह पुट कर दो यही तो कह रहा है ना ये। इसका मतलब क्या हुआ कि हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं f ऑफ माइनस x। इसका मतलब यही वैल्यू x की जगह पुट करो तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको निकाल लो आई थिंक इसके बाद तो आ जाएगा ठीक है। समझ में हाँ भैया कुछ और फंक्शंस के बारे में पता किया जाए। अभी जब फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं तो फंक्शंस के बारे में जानते हैं। अब मैं तुम्हें अभी तक तो एक फंक्शन दिया ना अब तुम लोगों को मैं एक साथ दो तीन फंक्शन देता हूँ ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मान लो f of x बराबर है 1 by x ठीक है g ऑफ x जो है वो माइनस x है और h ऑफ x जो है तुमको लगा भैया ये f g h कहाँ से लेके आया ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुमको बस ये दिखाने का तरीका है f g h ये अलग अलग फंक्शंस को दिखाने का तरीका और इनके साथ कोई दिक्कत नहीं और इनके साथ कोई कारण नहीं है। ये जो ब्रैकेट डाल के x डाल रहे ना बस इससे तुमको समझना है कि जो भी चीज लिखा है वो फंक्शन ऑफ x है ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दे रखा है तीन फंक्शंस दे रखे हैं ठीक है। अब तुम्हें क्या पता करना है फाइंड फर्स्ट एफ ऑफ वन जी ऑफ जीरो एच ऑफ टू। ए में ये तीन फाइंड करना है बी में तुम्हें फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स g of gx, h of hx प्राप्त करना है ठीक है। c में तुम्हें प्राप्त करना है f of gx, g of hx और f of h of fx, h of fx फाइंड करो। नाइन वैल्यूज हैं आसानी से निकलेगा सारा आराम से करना एकदम आराम से टाइम है मेरे पास आराम से करेंगे बना।
डिस्कशन शुरू करें। हेलो, हाँ भाई शुरू करें, हो गया सारे? हाँ भैया, चलो ठीक है, आंसर तो लिखा जाए, एक मिनट स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, तो वाइट लिखता हूँ, ठीक है, आंसर्स ऑफ ए, एफ ऑफ वन कितना आया? वन G of 0 0 H of 2 4 4 क्या आगे? B ठीक है, F of FX कितना आया? X सबको आया ना X? हाँ भाई ठीक है, G of GX X H of HX S का पावर 4। चलो आगे चलते हैं, C F of GX कितना आया? Minus 1 by X G of HX minus X square H of FX 1 by X square। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, सबसे हो गया था? हाँ भाई, हाँ भाई, चलो ठीक है, कुछ आगे बढ़ा जाए फिर। अब अगर मैं इसी में x के जगह कुछ पुट कर दूं तो बस x के यहाँ पुट कर देना है, बस अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो वो सब क्वेश्चन कराने से मुझे कोई फायदा नहीं लगता, जो सब तो तुम कर ही लोगे, इतना कर ले रहे हो तो। चलो ठीक है, तब तो फंक्शंस हो गया समाप्त। फंक्शन समाप्त हो गया क्यों? कि तुम लोगों के लिए फंक्शन इस लेवल पे इतना ही है, अगर मैं इससे ज्यादा जाऊंगा ना डोमेन रेंज वगैरह वगैरह, तो वो सब मैथमेटिक्स में तुम लोग को पढ़ना ही है, मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स में मुझे बस इतना फंक्शन का तुम लोग को नॉलेज चाहिए, मतलब ये चाहिए था कि तुम लोग को इतना नॉलेज हो, बात खत्म हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन हो गया ना, थोड़ा सा एंगल्स के बारे में जानते हैं। एंगल्स के बारे में कोई नॉलेज है तुम लोगों को पास, के पास पहले से? कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, तुम लोग अभी तक एंगल किस में नापते हो? डिग्री। डिग्री में नापते हैं। और कोई ऐसा चीज है जो सुना हो तुम लोगों ने एंगल्स के बारे में? रेडियन। रेडियन। अच्छा, तो सर ने, अच्छा जो तुमको सर विशाल सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, तो वो सिर्फ 10th लेवल का पढ़ाते हैं कि 11th 12th का कुछ लेवल पढ़ाते हैं? अभी तो 10th का ही मतलब बताते हैं। अच्छा, और वो फिजिक्स में भी सर सिर्फ 10th का ना? हाँ। अरे मैं वही लिख रहा हूँ, फिर से देखो एंगल ही लिखे जा रहा हूँ। तो एक तो तुम लोग डिग्री में जानते हो और एक तुम लोगों ने रेडियन सुन रखा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अपन समझेंगे दोनों में क्या अंतर है क्या है नहीं है, ठीक है? डिग्री क्या बोलता है ना, डिग्री क्या बोलता है, डिग्री वाला जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि वो बोलता है अगर तुम अपने किसी लाइन को पूरा एक गोल घुमा के ले आओगे ना उसी पॉइंट पे, तो वो पूरा कितना कवर करेगा? 360 डिग्री। इसका सिंपल यही है कि तुम अगर अपने, मान लो तुम सामने देख रहे हो और तुम एक पूरा चक्कर घूम के फिर आगे उसी सामने में देखने लगे, तो तुमने पूरा कितना एंगल कवर किया? 360 डिग्री। अब सवाल ये उठता है 360 डिग्री ही क्यों, क्या लॉजिक है 360 डिग्री का?
तो कोई लॉजिक नहीं है, बस 360 है तो है, 360 है कह दिए, 360 है तो है। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं, अगर हम एक क्वार्टर मूव करेंगे तो कितना मूव करेंगे, 90 डिग्री। मान लो पहले तुम इस तरफ देख रहे थे, अब तुम अपने माथा को मतलब अपने सर को थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ ले आए, फिर तुम इस रोटेट करके पीछे देखने लग गए, फिर तुम रोटेट करके इस तरफ आ गए, और फिर रोटेट करके तुम अपने ही पोजिशन पे फिर से आ गए। तुमने पूरे रोटेशन के दौरान 360 कवर किया, और उसको क्वार्टर में बांट दो तो 90 90 90 90। सिंपल डिग्री यही बोलता है, इसके अलावा डिग्री का कोई और वर्णन नहीं, मतलब ठीक है यही है जो है यही है, ठीक है। तो ये 360 डिग्री है, 360 ही क्यों है इसका कोई लॉजिक नहीं, जिस आदमी के मन में आया उसने बता दिया कि 360, और हम लोग मानते भी हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि 360 बोलने से कोई बुराई नहीं। तुम चाहो तो नया एंगल भोज दो, जिसको तुम 400 बोल रहे हो, डिग्री के अलावा तुम अपना नाम दे दो, 400 राम, 400 श्याम, 400 गीता, 400 सीता, इस टाइप का, या मैं अपना ही नाम ले लूँ 400 कुमार, कुछ भी मैं अपना नाम दे दिया, उसके हिसाब से वो एंगल का नाम अपने का बन गया, तो ठीक है। लेकिन हम अपना उतना कन्वीनियंट उतना सब नहीं फैलाते हैं, एक हमारे पास है वही काफी है। ये जो है ना ये नेविगेशन सिस्टम में काम आता है, ये वाला जो चीज़ है ये नेविगेशन में काम आता है। नेविगेशन समझते हो ना, वो जो शिप भी समुद्र वमुद्र में जाती है, या फिर जो हवाई जहाज वहाज उड़ता है, उनके यूज में ये वाला ज्यादा आता है, ठीक है। इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें ये ज्यादा आएगा, रेडियन। और रेडियन को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, डिग्री को डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं है, वो सिर्फ बोल दिया गया कि एक चक्कर लगा लो, जितना एंगल घूमोगे दैट इज 360। बट रेडियन का एक प्रॉपर डिफिनीशन होता है, तो पहले हम लोग रेडियन को समझते हैं क्या है। सबसे पहले एक यूनिट सर्कल हम लोग कंसिडर करेंगे, इसको बेसिकली सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, रेडियन को सर्कुलर सिस्टम ही बोलेंगे, भी थोड़ा सा सर्कल का भी इसमें सर्कल का थोड़ा सा कुछ कुछ यूज करते हैं, समझो। हम लोग क्या बोलते हैं, लेट सपोज सेंटर है, ठीक है, और लेट सपोज का रेडियस आर है, कितना है आर, स्मॉल आर मानते हैं इसमें के लिए। अब कोई आदमी लेट सपोज सर्कल और पाथ पे यहाँ खड़ा है, और वो इस सर्कल पे चल के यहाँ आके रुक गया, चलो तुम लोग को लगेगा 90 डिग्री पर रुक गया, 90 डिग्री नहीं, ठीक है, यहाँ आके वो रुक गया, तो उसने कुछ एंगल पक्का कवर किया, लेट सपोज दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो वन रेडियन तब होगा जब वो यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस कवर करे जितना उसका रेडियस है, यानी ये जो लेंथ है, लेट सपोज मैं इसको ए बोलता हूँ और इसको बी बोलता हूँ और ये ओ है, तो ए बी जो आर्क है ना, आर्क लेंथ ऑफ ए बी अगर वो रेडियस के बराबर है, तब जो सेंटर पे एंगल, ये जो सबटेंड हुआ ना, दिस एंगल जो एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पे, दैट एंगल इज नोन एज वन रेडियन, दैट एंगल इज नोन एज वन रेडियन। और रेडियन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, आर्क, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज रेडियन। रेडियन का डिफिनेशन ये होता है कि तुमने कितना डिस्टेंस इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव किया डिवाइडेड बाय रेडियस। एक अच्छा सा इसका फील आने के लिए मैं ये बोलता हूँ, तुम एक काम करो कि तुम यहाँ ए से चलो, चलते 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 फिर से तुम ए पे ही लौट आओ, तो तुमने टोटल कितना कवर किया बताओ, इफ 2πr, हाँ, इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड एंड एट ए, देन आर्क लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो कितना रेडियन कवर किया तुम लोगों ने, रेडियन तुम लोगों ने कितना कवर किया, 2πr डिवाइडेड बाय रेडियस r, यानी 2π, यानी कि एक
चक्कर में कितना रेडियन कवर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर। और डिग्री के हिसाब से एक चक्कर में कितना डिग्री कवर होगा, 360। तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, क्योंकि रेडियन के हिसाब से अगर मैं एक चक्कर लगाता हूं तो मैं 2 पाई रेडियन कवर करता हूं, और डिग्री के अनुसार मैं 360 कवर करता हूं। तो इसका मतलब 2 पाई किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये इंपॉर्टेंस इतना रखेगा कि आगे बहुत सारी चीजों में यूज आएगा, तो इसको याद रखना। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे ना जिस समय, मतलब एडवांस ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग कहेंगे 11th वाला, उसको जब पढ़ना शुरू करोगे तो ये सब चीजें बच्चा वाली लगने लगेगी कि यार क्या भैया पढ़ा रहे थे। अब ये देखो तो रेडियन का डिफिनेशन समझ में आया, रेडियन यही है, दिस इज रेडियन, ठीक है, समझ में आ गया ना रेडियन भैया। अब अगर पाई टू पाई इक्वल टू 360 डिग्री है तो मैं कुछ कुछ एंगल्स का कन्वर्जन करता हूँ, ठीक है। अब कुछ कुछ कन्वर्जन करते हैं क्योंकि कुछ कुछ एंगल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तुम लोग भी जानते हो। कन्वर्जन जैसे कि मान लो अगर 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री है, देन पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे दो, पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बस इसमें क्या करो, इसमें 3 से डिवाइड दे दो दोनों तरफ, चौथा पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 45 डिग्री, पाई बाय 6 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसी तरह 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 270 डिग्री। तो तुम्हें बस ये सारी चीजें याद रखनी है। और इन जनरल अगर मैं कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखाऊं, तो x रेडियन बराबर, अगर मुझे देखो अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो या डिग्री से रेडियन में आना हो, तो सबसे अच्छा तरीका, रटना अगर नहीं चाहते हो तो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कर लेना, कि अगर 2 पाई में 360 डिग्री तो एक में 360 बाय 2 पाई, तो x में 360 बाय 2 पाई इंटू x, तो x रेडियन बराबर कितना डिग्री, ये ध्यान रखना कितना डिग्री, x रेडियन बराबर इतना डिग्री, यूनिटरी मेथड यूज किया हूं मैं, कुछ और नहीं यूज किया। इसी तरह x डिग्री बराबर 2 पाई बाय 360 इंटू x रेडियन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला है जो कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं। अगर तुम लोग को रटना है तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग को इसको समझना ही जरूरी होगा, क्योंकि रटने से क्या होगा, काम बढ़ जाएगा, समझने से कोई फर्क, मतलब समझने से तो तुम लोग कुछ भी कर ही सकते हो। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज किया हूं मैं, यूनिटरी मेथड उसी से आया है, ठीक है, दिस इज ओनली यूनिटरी मेथड। बस एंगल में इतना ही समझना था, बाद बाकी अब तुमको एक्स रेडियन में डिग्री में चेंज कर दे तो उस सब अब मैं उतना लिखाऊंगा तो फिर तुम लोग बोलोगे, इतना जरूरी है, बाद बाकी अगर कभी पूछ दे तो तुम लोग खुद से निकाल के काबिल रहना, ठीक है। अगर तुमसे मैं, अच्छा चलो एक निकाल ही दो तुम लोग, एक तो पूछ लो, 150 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 150 डिग्री बराबर कितना रेडियन निकालो, आया 5 पाई बाय 6, सबको आ गया 5 पाई बाय 6, इसमें पुट कर दो बस आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारा डिग्री वाला खत्म, अब मैं जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री पे वैसे मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं अभी, ठीक है, उस दिन मैंने लिखा दिया था ना सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन तुम लोगों ने बोला था भैया हम लोग 90 डिग्री से ज्यादा पढ़े नहीं है फॉर्मूले, मतलब 90 डिग्री ज्यादा हम लोग को पता नहीं है,
तो मैं आज थोड़ा सा 90 डिग्री से ज्यादा वाला चीज को देखता हूँ कि 90 डिग्री से ज्यादा में क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है इन जनरल, जो हमारा लोकल का टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्या होता है ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा समझो, कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा समझते हैं। तुम लोग को दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ साफ साफ? हाँ भाई। हाँ भैया। छोटा अगर छोटा लगे ना दिखने में तो मुझे बोल देना, मैं थोड़ा सा बड़े वाले, इससे मैं बड़ा वाला वो यूज कर रहा था। हाँ देखो this is x, sorry this is y, this is x, बड़ा ही यूज करता हूँ। This is y, this is x. This is, ये इसको first quadrant बोलते हैं, ये सब तुम लोग जानते हो ना, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant, ठीक है? First quadrant, quadrant में angle कहाँ से कहाँ होता? 0 से 90 degree, x के तरफ हम लोग जीरो डिग्री बोलेंगे और y के तरफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है? इसी को मैं जीरो बोलता हूँ, जीरो रेडियन, और 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है? इसको कितना एंगल बोलूं? 180 डिग्री या पाई रेडियन, ठीक है? इसको कितना एंगल बोलूं? 270 डिग्री या 3 पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है? उसके बाद फिर ये आ जाएगा 2 पाई यानी 360, फिर उसके पाई बाय 2। अभी तक तुमने सिर्फ 360 डिग्री के बारे में सुना है ना, लेकिन असलियत में 720 डिग्री भी होता है, उसके आगे भी होता है, उसके आगे भी होता है, उसके आगे भी होता है, तो इसलिए वो सब चीज से घबराना नहीं है, ठीक है? 360 डिग्री तो हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं, बाद में कि उसके आगे भी आता है। अब तुम लोग पूछोगे भैया उसके आगे काम ही कहाँ पड़ेगा, क्योंकि आदमी अगर चक्कर लगाएगा तो सिर्फ 360 डिग्री तो लगा पाएगा, उसके आगे तो लगा ही नहीं पाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे, लेट सपोज एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, कोई आदमी है ना वो 90 डिग्री 2 सेकंड में रोटेट कर जाता है, ठीक है? ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ 20 सेकंड में वो कितना डिग्री रोटेट करेगा, मतलब कोई आदमी पहले इधर देख रहा था वो ऐसे रोटेट करेगा, मतलब कि यहाँ इधर देखने लगेगा, इस रोटेशन को करने में उसको 2 सेकंड लगता है, तो मैं पूछता हूँ कि 20 सेकंड में वो कितना एंगल रोटेट कर जाएगा? तुम बोलोगे भैया 2 सेकंड में 90 डिग्री तो 20 सेकंड में 900 डिग्री, कुछ ऐसा ही? हाँ 902 फिर 290, हाँ तो 900 डिग्री। अब तुम बोलोगे भैया 900 तो कभी सुने ही नहीं है, हम लोग तो 360 डिग्री तक ही सुने, तो देखा ना 900 डिग्री का ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता, होता है, 360 डिग्री से ऊपर का भी यूज आएगा। तो बस मैं वही बता रहा हूँ कि ये मत समझना कि 360 पे जाके दुनिया खत्म, दुनिया उसके आगे बहुत दूर तक जाएगी। तो अभी तो मैं सिंपल चार भाग में बांट रहा हूँ, तो अब समझो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस वाले पार्ट में ना अगर एंगल 0 से 90, अब तुम्हारे पास टोटल रेशियोज कितने होते हैं, साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, ठीक है? ये 6 के 6 पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ, 0 से 90 डिग्री के बीच में इनके अगर किसी का भी अगर थीटा रखोगे ना, साइन थीटा हो गया या कॉस थीटा हो गया, सेक थीटा कोसेक थीटा, सब कैसे आएंगे पॉजिटिव, सब कैसे होंगे पॉजिटिव, ठीक है? अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, अगर एंगल 180 से 270 के बीच में तो टेन और कॉट ही सिर्फ होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सब निगेटिव होगा, और अगर एंगल 270 से 360 के बीच में है तो कॉस और सेक ही होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सब निगेटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव, अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव,
अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ टेन कॉट थीटा पॉजिटिव, और अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो जो जो क्वाड्रेंट में जिसको इसको मैंने लिखा है ना, सिर्फ वही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब निगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आया? अब समझो, मैं तुमसे सिर्फ अभी साइन पूछूंगा, तुम लोगों से साइन बताना तुम लोग पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, मैं पांच वैल्यू लिखता हूँ, तुम लोग बताना। बताओ पहला पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव। कारण इसका क्या है? क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्या होगा? निगेटिव। कारण क्या है? cos थीटा का वैल्यू हमेशा मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव रहता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बहुत अच्छा, इसका पॉजिटिव। ठीक है, ये सारा वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा ठीक है, 10 to 20 ये भी पॉजिटिव। कारण इसका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल्स के साइन का तो चलो पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू की तरफ कुछ कुछ चीजें जो तुम लोग को याद होनी चाहिए, और वो क्या है वो मैं लिखाता हूँ। अब तुमको ये छोटी छोटी फॉर्मूले हैं जो एकदम ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा कुछ कुछ तो तुम लोग जानते होगे, कुछ कुछ को मैं बताता हूँ क्योंकि वो आगे पढ़ाया जाता है, तो मैं भी बता दे रहा हूँ। चलो, साइन, अब ध्यान रखना मैं रेडियन का यूज करूंगा एज कंपेयर टू डिग्री, क्योंकि रेडियन ही तुम लोगों को अब झेलना है। ठीक है, पूरे 12th तक या फिर पूरे लाइफ अगर समझो तो, अगर तुम लोग फिजिक्स में पढ़ना चाह रहे हो उस टाइप का, तो तुम लोग को अब रेडियन झेलना है, तो रेडियन करना सीख लो। पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा बताओ? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, पाई बाई टू मतलब 90, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा। उसी तरह कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ओके, टेन कॉसेक में भी पता ही होगा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। उसी तरह कॉट पाई बाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, रुक जाओ कॉसेक नहीं लिख पाया, कॉसेक पाई बाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज है, ये तो याद ही होगा तुम लोगों को क्योंकि तो टेंथ में भी पढ़ाते ही हैं बच्चों को, तो कोई नहीं। अब जो फॉर्मूले आएंगे उसको ध्यान रखना। साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसी तरह टेन पाई बाय टू, अभी मैं बताता हूँ माइनस क्यों आया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, माइनस कॉट थीटा। उसी तरह कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा इजिकल टू माइनस टेन थीटा। अब अगर साइन का कॉस हो रहा है, कॉसेक का सेक था, तो कॉसेक पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। कॉसेक पाई बाय टू प्लस थीटा इजिकल टू sec theta, और sec pi by 2 plus theta is equal to minus cosec theta।
फिर ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, माइनस किसी के आगे नहीं, ऐसा क्यों? देखो पाई बाय टू में अगर तुम थीटा जोड़ोगे तो एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड। हाँ, अब कुछ बच्चे ये भी होंगे जो बोलेंगे भैया जरूरी थोड़ी सेकंड में हो, अगर थीटा पाई बाय टू से बड़ा है तो वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थीटा पे तो कोई पाबंदी है नहीं, पहला बात ही ध्यान रखना। लेकिन तुम सिर्फ इतना जानो कि पाई बाय टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। अब बताओ साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा ना, साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं ना, इसीलिए मैंने इनके आगे पॉजिटिव साइन लगाया है इन दोनों के कन्वर्जन के दौरान। बाद बाकी जितने भी वैल्यू है सब निगेटिव हो जाती है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने सबके सामने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पाई बाय टू प्लस माइनस कुछ हो ना, पाई बाय टू प्लस माइनस, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस माइनस में। जैसे कि अगर कल को मैं साइन, एक समय के लिए इसको भी डब्बा में रख देता हूँ एक समय के लिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है तो करना, लेकिन मेरे ख्याल से लॉजिक से पूरी बात चल जाएगी। अगर मैं काम करता हूँ साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा करूँ या साइन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा करूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, एक मिनट, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन टू, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ साइन टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू प्लस माइनस, खराबी हो जाता है इसमें रख के, पता नहीं दिखाना पड़ जाएगा इसको, बाय टू प्लस माइनस थीटा अगर लिखूं इस टाइप से, अगर मैं लिख रहा हूँ टू एन प्लस वन, मतलब कैसा नंबर है ये, ऑड की इवन? ऑड। तो अगर पाई बाय टू में कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो, ऐसा कुछ हो साइन टू एन प्लस वन पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, तो ये ध्यान रखना ये हमेशा कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। बाद वाके आगे प्लस होगा या माइनस होगा वो तुम्हें खुद सोचना है, कैसे तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि ये जो एंगल है ना वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ या ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तब तो कॉस पॉजिटिव आएगा, मतलब आगे पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन अगर ये एंगल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो आगे निगेटिव लाना है, ये ध्यान रखना। ये छोटा सा चीज है, जैसे मैं करके एक चीज दिखाता हूँ, सोचो ऊपर। अब जैसे मान लो ये वाला केस लेते हैं साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ये जो थ्री है ये भी एक ऑड नंबर है और थ्री को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाई टू से मल्टीप्लाई किया है, समझो। तो मैं एक चीज तो ये कह सकता हूं कि इसका वैल्यू कॉस होगा, लेकिन प्लस कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा ये हमें सोचना है। अब तुम खुद सोचो अगर मैं थ्री पाई बाई टू में कुछ थीटा घटाऊं तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड। और थर्ड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। तो ये तुम्हें खुद ध्यान देना होगा कि ये जो तुम्हारा जो एंगल है ना अंदर वाला, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तुम्हें खुद सोचना है, ठीक है। सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव मैं बोल रहा हूँ, किस क्वाड्रेंट में ये सोचना है। बाद बाकी अगर ऐसा रहेगा ना कि 2n plus 1 pi by 2, यानी कि pi by 2 में अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो वो पक्का बात है वो कॉस में चेंज होगा। और यही चीजें ये सब के साथ वैलिड होगा। अगर यहाँ पे 2n plus 1 pi by 2 हो, यानी ऑड नंबर मल्टीप्लाइड हो, जैसे कि 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2 plus थीटा माइनस थीटा, तो वो चेंज साइन थीटा में हो जाएगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में सेक कॉसेक में। लेकिन साइन क्या होगा ये तुम्हें खुद सोचना है, साइन क्या होगा ये तुम्हें खुद सोचना है। और कैसे सोचेंगे? तो बस जैसे भी मैंने 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा सोचा ना, वैसे ही कि वो जो एंगल बन रहा है ना एक्चुअली थीटा नहीं, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो क्या है आखिरकार, वो किस क्वाड्रेंट में लाइक करता है, उसके बेसिस पे करना है। और अगर अगर इफ यहीं पे कुछ इस टाइप का हो कि एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो ये साइन थीटा होगा प्लस माइनस साइन के साथ। अब प्लस माइनस साइन तुम्हें खुद सोचना है। उसी तरह अगर मैं लिखा देता हूँ एन पाई प्लस माइनस थीटा है
वो प्लस माइनस कॉस थीटा होगा, और प्लस माइनस को फिर एंगल के बेसिस पे लगाना है। और अगर तुम्हारा यहाँ पे टेन होगा, यानी कि अगर एन पाई है ना, जो जिसको चेंज कर रहे हैं वो उसी में रह जाएगा। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ तो तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखो, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, साइन टू पाई माइनस थीटा। अब बताओ टू पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉस, अब कुछ वैल्यूज निकालते हैं। चलो साइन कहां से देखना, साइन कहां गया, साइन लेट्स सपोज हमको निकालना है 225 डिग्री। क्या निकालना है? 225 डिग्री निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सोचो क्या मैं लिख सकता हूं, 225 डिग्री को मैंने तोड़ दिया 180 प्लस 45 में, हाँ या ना? अब सोचो अभी मैंने लिखा है ना कि साइन पाई प्लस माइनस थीटा, साइन एन पाई, एन पाई मतलब पाई का मल्टीपल, तो 180 डिग्री पाई ही है। तो साइन पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री, लेकिन आगे प्लस माइनस होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है? तो एंगल किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या हो गया? माइनस साइन 45 डिग्री। यानी साइन 225 डिग्री का वैल्यू माइनस साइन 45 डिग्री होता है। उसी जगह उसी समय अगर मैं बोलूं साइन 330 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 330 डिग्री? तो साइन 330 को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन 270 प्लस 60। सोचो साइन 270 प्लस 60। अब 270 डिग्री प्लस 60 यानी कि cos 60, क्योंकि 270 डिग्री क्या है, 3π/2 ना। और मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे ऐसे इस टाइप का चेंज है 2n प्लस 1π/2 प्लस माइनस, तो वो cos में जाएगा, लेकिन अगर n पाई प्लस माइनस है तो वो sin में जाएगा। अगर पाई में n, n क्या है, एक नंबर, नेचुरल नंबर जो भी रखो, नेचुरल इंटीजर है, n इंटीजर है, ठीक है, n ध्यान रखना इंटीजर है। तो अगर इस टाइप का चेंज है तो वो cos में चेंज होगा, और अगर इस टाइप का चेंज है तो वो sin में चेंज होगा। तो यहाँ पे किस टाइप का चेंज है, 3π/2 प्लस 60 है ना, तो यानी कि ये कॉस में चेंज जाएगा। साइन सोचते हैं क्या होगा, 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस 60 डिग्री के बराबर हो गया। ये दोनों एग्जांपल समझ में आया क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड? ठीक है, तो तुम लोग निकालो कुछ वैल्यू फिर। साइन 660 डिग्री का वैल्यू निकालो, साइन 660 डिग्री का वैल्यू निकालना, एक मिनट रुक जाओ मैं लिख देता हूँ फिर से। साइन 660 डिग्री का वैल्यू निकालना, निकालो क्या आता है। आया तो देखो मैं हेल्प करता हूँ तुम लोगों की। साइन 60 डिग्री है क्या? साइन 60 डिग्री सोचते हैं। चलो साइन 360 डिग्री, सॉरी साइन 660 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन
एक समय के लिए 360 डिग्री मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, करने का तो मैं इससे आसान तरीका से भी कर सकता हूँ बट जानबूझ के कर रहा हूँ। अब तुम लोग सोचो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम फिर से 360 डिग्री पे घूम के आ जाओगे ना, फिर से वही चीज शुरू हो जाएगा जो पहले चल रहा था। तो साइन अगर कोई भी एंगल 360 से बड़ा है ना, तो तुम उसको 360 के लूप में तोड़ो। 660 को मैं 360 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ये सिंपल साइन 300 डिग्री हो जाएगा, ये ध्यान रखना सिंपल, इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम एक चक्कर लगा के फिर से शुरू करोगे तो फिर से सब कुछ वैसे ही शुरू हो जाएगा। तो साइन 360 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब साइन 300 को सोचो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 360 माइनस 60 ना, यानी कि 2n, इसको मैं क्या लिखता हूँ देखो, इसको लिख सकता हूँ ऐसे समझते हैं, साइन 2π, साइन 2π माइनस 60 डिग्री। अब अभी मैंने ऊपर लिखाया था कि साइन nπ प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होता है, तो होगा तो ये साइन 60 बट साइन चेंज करना पड़ जाएगा, है तो ये साइन 60 डिग्री के बराबर, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा ये सोचते हैं। अब एक चीज बताओ, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, फोर्थ में, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए माइनस साइन 60 डिग्री आया। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे इस एंगल को 60 डिग्री को समझेंगे कैसे, 660 डिग्री मतलब क्या, देयर सपोज तुम पहले एक्स एक्सिस पे खड़ा थे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अब तुमने चक्कर लगाना शुरू किया, तुम चक्कर लगाए पूरा पहले यहाँ से चल के फिर यहाँ आ गए, तो तुमने कितना डिग्री घूम लिया, 360, फिर तुमने शुरू करा और 300 डिग्री घूमा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ तक, यहाँ के रुक गए, तो यहाँ जाके ये कैसा हो गया, मैं फिर से को एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हाँ, मैं पहले 300 डिग्री चलता हूँ, ठीक है, 360 डिग्री चलता हूँ, मैं यहाँ से शुरू किया, पहले मैं यहाँ था, मैंने यहाँ ऐसे ऐसे करके मूव किया और मैं यहाँ आ गया, मैंने कितना कवर किया, 360 डिग्री, फिर मैंने चलना शुरू किया यहाँ से और मैं 300 डिग्री और आगे गया, फिर मैं चला तो यहाँ आके कहीं रुक गया, तो जो मैंने टोटल एंगल कवर किया वो कितना कवर किया, 660 डिग्री, यानी कि पहले 300 डिग्री, 360 और फिर 300, तो सोचो 660 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, फोर्थ में लाइक कर रहा है ना, क्योंकि तुम रुके कहाँ है, तुम ये सोचो कि तुम किस क्वाड्रेंट में रुके उसी क्वाड्रेंट में एंगल लाइक करेगा, सिंपल, तुम रुके हो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करने वाला एंगल में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, तो पता है, तो यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया हमें कि एंगल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा निगेटिव, तो आना तो उसको निगेटिव ही है, तो पता चल गया, लेकिन किसके बराबर होगा वो ऐसे सोच सकते हैं कि साइन 360 ऐसी टाइप जैसे मैंने अभी बनाया यहाँ तक, ऐसे गए गए फिर स्टेप, समझ में आया, नहीं अगर कोई बच्चा थोड़ा सा याद होता ना उसको फॉर्मूला, तो मैंने एक फॉर्मूला सबको लिखाया था कि साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, याद है मैंने लिखाया था, हाँ दो बार लिखा रखा हूँ, अभी तीसरी बार लिखवाया हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये सही है तो साइन कैसा फंक्शन है, ऑड की इवन, साइन थीटा भी एक फंक्शन ही है, ये ध्यान रखना, साइन कैसा फंक्शन है, ऑड की इवन, बोलो बोलो डरो मत, इवन इवन, हाँ इवन है, ऑड इवन नहीं है, कोई गलत करवा दिया, ऑड है ये एंड दिस इज इवन, ठीक है चलो कोई नहीं, ये सब जानने वाली चीजें हैं। तो अगर मैं साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ ना कि आदमी 660 डिग्री नहीं घूम के माइनस 60 डिग्री घूम गया, ऐसा भी तो मैं सोच सकता था, आदमी 660 डिग्री नहीं जाके माइनस 60 डिग्री गया, और हमको पता है कि साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री और क्या होता है, माइनस साइन 60 डिग्री, तो वैल्यू में यहाँ से भी निकल के आता है माइनस साइन 60 डिग्री, समझ में आया, टाइप से भी सोचा जा सकता है। वैसे अभी कोई टेंशन मत लेना कि समझे नहीं समझे, क्योंकि अभी तुम लोग टेंथ में हो ना, अभी मैं तुमको इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग उतना सीखोगे, ठीक है।
साइन का तो खैर खत्म हो गया, बाद में कि मैंने जितना फॉर्मूला लिखवाया है ना तुम लोगों को उस दिन ट्रिग्नोमेट्री, वो और ये पार्ट मिला के ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही पढ़ना था, उस दिन मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, और आज मैंने जो जो मुझे जैसे तुम लोगों ने बोला था ना भैया ये नहीं आ रहा है, तो मैंने आज ये वाला बता दिया कि कैसे निकालते हैं अगले अगला अगला क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब अगले क्लास में मैं डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा और लॉग फंक्शंस बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात कि अगले क्लास में सारा का सारा होमवर्क करके आना जो मैंने दिया था। ठीक है, आज ऐसे तो आज ही ठीक डिस्कशन करना था, बट तुम लोगों ने बोला कि भैया कल करेंगे तो फिर छोड़ दिया, तो सॉरी अगले क्लास में। तुम लोग एक काम करना कि तुम लोग सारा अगले क्लास, यानी अगला क्लास कब हम लोग का है, ट्यूजडे को। ठीक है, तो ट्यूजडे को सैटरडे को भी है। अच्छा सैटरडे को है क्या हम लोग का क्लास? हाँ सही कहा, तुम लोग बता दिया, हमको पता नहीं था, एक मिनट चेक करने दो हमको। मुझे मैंने तो देखा कि दो दिन ही क्लास है मेरा तुम लोगों का। अगर हुआ तो तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग कब कर कब डिस्कशन करो? एक बच्चे ने तो बोला भैया अगली क्लास में। अच्छा हाँ हम हैं, 6:50 से है ना उस दिन। चलो ठीक है, तब डिस्कशन क्या करते हो, सैटरडे को कर ले? जल्दी जल्दी बोलो क्या किया जाए। ट्यूजडे को ही करिए। ट्यूजडे को ही करें? हाँ चलो ठीक है, तब तो अगले क्लास में मैं डिफरेंशिएशन और वो लॉग वाला चीजें मैं बता देता हूँ। चलो तो अभी तुम लोग क्लास है ना, जाओ तुम लोग, तब आज से क्लास यहीं तब एंड करते हैं, क्योंकि लॉगरिथम अगर मैं शुरू करूंगा तो मुझे थोड़ा सा और भी चीजें बतानी पड़ेंगी। चलो तब ठीक है, मीटिंग एंड करता हूँ मैं, बाय।